शिल्पा शेट्टी के पति को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है और दूसरी तरफ बिग बॉस के कंटेस्टेंट को शो के अंदर से गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। क्या है मामला बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको बता दिया जाए शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे थे। पोर्नोग्राफी वाले मामले में कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया, जेल जाना पड़ा और यहाँ तक कि उन पर आरोप लगे कि वो एक ऐप चलाते हैं जिस ऐप के अंदर कई एडल्ट कंटेंट होते हैं और यहाँ तक कि कई सारे लोगों को लेकर वो एडल्ट कंटेंट बनवाते हैं और बाद में उन वीडियोस को दिखाया जाता है उन ऐप्स के अंदर, वो ऐप सारे पेड होते हैं। कई सारे ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार होना पड़ा। गिरफ्तार होने के बाद 13 दिसंबर 2022 को उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद बोला जाता है कि अभी हाल ही में राज कुंद्रा ने अपना वो चेहरे से मुखौटा हटाया और 3 नवंबर को उनकी बायोपिक आ रही है। जी हाँ, ये बायोपिक में दिखाया जाएगा कि वो जेल वाले दिन कैसे थे, उनकी क्या क्या उनको फेस करना पड़ा, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस बायोपिक के अंदर दिखाई है। और ये भी बताया है कि भैया कि वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी, जैसे दूसरे लोगों को रखा गया वैसे मुझे रखा गया। मतलब उन्होंने इन केस ये दिखाने की कोशिश करी है पूरी जो आ रही है इनकी मूवी उसके अंदर कि अंदर कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमारे नाम बड़े हैं तो क्या हुआ पर हमारे दर्शन अंदर छोटे ही थे। पर सवाल ये उठता है कि कोई केस चल रहा हो उस केस के ऊपर कोई भी फिल्म बन सकती है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वहीं पर क्या अंदर की जो पूरी कहानी है क्या वो फिल्म के माध्यम से दिखाई जा सकती है, अब पता नहीं, हो सकता है परमिशन लेके दिखाई जा सकती हो पर कंफर्म नहीं है हम। पर वहीं पर अब राज कुंद्रा अपने आप को विक्टिम साबित करने में लग चुके हैं और क्या राज कुंद्रा अब अपने आप को विक्टिम साबित कर लेंगे, आपको क्या लगता है। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो राज कुंद्रा का साथ देने के लिए बॉलीवुड में से कोई दिखाई नहीं दिया था, सामने तो कोई नहीं दिखाई दिया था, पीछे पता नहीं कोई दिखाई दिया हो ना दिया हो, क्योंकि बॉलीवुड अक्सर सामने से कोई काम नहीं करता। सुशांत के सोने की बात आपको याद ही होगा ना कि सामने से सिर्फ RIP लिखा, एक शब्द नहीं बोला सुशांत के लिए आज तक किसी भी बड़े शख्स ने। वहीं पर कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ देखें तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट को शो के अंदर से गिरफ्तार क्यों किया गया। बिग बॉस कन्नड़ के अंदर कहा जा रहा है कि एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम बारतोष संतोष है, बोला जा रहा है कि इन्होंने एक लॉकेट पहना हुआ था, उस लॉकेट को जब चेक किया गया तो उसमें टाइगर के असली पंजे लगे हुए थे और ये कहा जा रहा है कि गैर कानूनी है, ये कोई नहीं लगा सकता कभी भी टाइगर की कोई भी रियल चीज को या असली टाइगर के मार कर ये सब चीज़ों को आप शरीर के ऊपर लॉकेट के तौर पर नहीं लगा सकते। जब उनसे कहा जा रहा है कि जैसे ही पता लगा विभाग को कि भैया ये रियल है, उन्होंने शो के मेकर से कहा कि हमें सौंप दो अब ये लड़का, ये जो शख्स है अपने वाले शो में हमको गिरफ्तार करना है और ऑन गोइंग शो मतलब चलते शो में से इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो पूछताछ में पता लगता है कि 3 साल पहले इनको ये लॉकेट मिला था, जो कहा जा रहा है कि बारतोष संतोष है ये कहते हैं 3 साल पहले मुझे टाइगर का लॉकेट मिला था, उससे पहले नहीं था मेरे पास। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, शो के अंदर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या बड़ी कार्रवाई होती है उन पर, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट रखिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल बनाए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारा नया चैनल सागर बुल्ला रिव्यू के साथ जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ में हमारा फेसबुक का नया चैनल जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।